हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हमें बात करने वाले रूट मोबाइल कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये दूंगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पे आपको बाय करना, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना, कितना सपोर्ट लेना, कितना रेजिस्टेबल लेना है, लाइक यू सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आपसे कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए, कंपनी का जो शेयर है आज का कैंडल अगर आप देखिए ग्रीन में फॉर्म हुआ, अच्छा खासा सपोर्ट लेके स्टॉक जो अब गया था, क्लोजिंग देखिए जो 1360 के आसपास का जो क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक ने काफ़ी बार जो स्टॉक जो है इसने काफ़ी बार ये लेवल तोड़ा है, एंड यहाँ से जब भी स्टॉक नीचे गिरा लास्ट 1160 तक ये गया है शेयर ये। सो मेन आपको सपोर्ट प्लस आपको रीजनेबल ध्यान पे रखना है कि मेन आपको सपोर्ट कौन सा लेवल आपको लेना है। ओके, सो मेन अगर आपको शेयर बाइंग करना भी रहेगा तो ये कि जब आपको लेवल दिख रहा है ये लेवल की अपसाइड आपको बाइंग करना, बिकॉज वो शेयर के ऊपर ही आपको मोमेंटम मिल सकता है। अगर आप प्रीवियसली कैंडल्स जितनी भी देखे ये शेयर के ऊपर जब भी इसे मोमेंटम दिया है स्टॉक जो है लास्ट 1400 तक गया है। सो ये चीज़ें मैं ध्यान में रख के आपको एंट्री बनानी है। एंड स्टॉक की अगर बात की जाए आज के दिन कितना पर शेयर के पीछे कितना 14.55 रुपीज़ का रिटर्न दे पर शेयर के पीछे, तो जिसने भी इसमें इंट्राडे किया रहेगा डेफिनेटली इसको मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई रहेगा शेयर में। एंड जिसने भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग की रहेगी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली उनको पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न दिख रहा है आज के दिन, बिकॉज पर शेयर के पीछे 40 रुपये का इसमें रिटर्न दे और देखा 41 रुपीज़ का इसमें रिटर्न दिया है। सो आपको कल के दिन के उसमें बाइंग एंट्री को बता देती हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। यस, आई थिंक सो आपको मेरा चार्ट पूरा विजिबल होगा। सो आपको जो है शेयर जो बाइंग करना, जो मैं क्या आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला शेयर जो आपको बाइंग करना वो यहाँ पे बाय करना, मीन्स कितना आपको 1370 की आसपास बाइंग एंट्री बनानी है। टारगेट रखना है 1400 का, मीन्स 1400 का लेवल का आपको टारगेट रखना है, और आपको 30 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल सकता है। देन सपोर्ट कितने का लेना है, 1300 का आपको सपोर्ट लेवल लेना है यहाँ पे, बिकॉज जब भी सपोर्ट तोड़ेगा तो लास्ट ये जो है शेयर जो है यहाँ तक आके गिर सकता है, मीन्स कितना 1150 तक, और आप 1100 रुपये पकड़ सकते हैं, बिकॉज शेयर वहाँ तक भी जा सकता है। सो आपको 1300 का जो लेवल ध्यान में रखना है। एंड आप ये जो आपका लास्ट जो टारगेट, अगर आपको 1300 के आसपास अगर ये लाइक सपोर्ट इसका आता भी है एंड आपको लॉसेस दिखते भी हैं, सो आप जो लास्ट जो सपोर्ट है ये ले सकते हैं, कितना 1273 का। एंड यहाँ का अगर आपको और भी रुकना रहेगा, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप इतना सपोर्ट लेते मत जाइए, हो सके तो ये सपोर्ट 1300 का सपोर्ट लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज वहाँ से स्टॉक जब भी गिरता है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरता है, बिकॉज दो तीन तीन बार सपोर्ट ये यहाँ पे लिया है इसने, सपोर्ट लिया है इसने यहाँ पे, बट जैसे थर्ड बार ये सपोर्ट ले गिरता है ना तो डेफिनेटली यहाँ तक शेयर जाता है, बिकॉज स्टॉक जो अगर यहाँ पे देखे तो इसने और बहुत बार से सपोर्ट लेके स्टॉक जो अब गया है। सो अगर इस बार का सपोर्ट 1300 का तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। सो इसके लिए आपको बोल रही कि हो सके तो आप 1370 के आसपास एंट्री कीजिए, 20-30 पॉइंट का मोमेंटम अगर मिलता है प्रॉफिट निकाल के एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज स्टॉक जो काफ़ी बार वहाँ से नीचे भी गिर सकता है, चांसेस हैं इसमें मोमेंटम इसमें आ सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू के साथ देखा जाए तो हो सके तो इसमें ट्रेड कीजिए आप कल के दिन, एंड एंट्री भी नहीं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इसमें आप होल्डिंग भी कर सकते हो। ओके, एंड इंट्राडे की बात की जाए, इंट्राडे अगर आपको करना है देन 1400 आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। सो ये तीनों जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी जगह चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।